ये लाइन आगे आ ही गया, गूगल में भी यही लाइन दिखा रहा है, सिर्फ एक कदम सारे के सारे राजस्थान में स्वागत है मैसेज आ जाएगा गूगल जियो की तरफ से। ये देखिए, ओ राजस्थान में चल के पार्सल कर लिया मैंने, राजस्थान पहुंच चुका हूँ भाई। अभी रुका हूँ यहाँ पर पानी पीने के लिए, अभी भी मोबाइल थोड़ा सा कैमरा चार्जिंग डाला हूँ, लेकिन यहाँ पर छड़ियों के यानी कि भेड़ बकरी रहते हैं उनको चराने का स्टाइल दिखे राजस्थानी में, इस तरीके से पैर बांध के रखते हैं इनको ताकि ये भाग ना पाए। यहाँ पर और दो रुके हैं, देखो तीन ही पैर, ताकि ये ज़्यादा तेज़ भाग ना पाए, आराम से चरा सकते हैं इनको। ये अजीब है यार, फिर भी दर्द होता है ना उनको ऐसा ही कंटिन्यूसली। हाँ। शाम में छोड़ते हैं ऐसे रहते हैं, शाम में बांध देते हैं उसको, उनको बांध के टाइम में। अच्छा, सिर्फ 1 घंटे के लिए। तो भाई आज का स्टे मैंने ढूंढ लिया, जैसे कि मैंने गुजरात बॉर्डर क्रॉस किया, मैंने अपने रहने के लिए जगह ढूंढने की कोशिश कर ली, और यहाँ पर एक ढाबा था, यहाँ पे आगे भी एक पेट्रोल पंप था, वहाँ पर रुकने का था मेरे को, लेकिन वो पेट्रोल पंप बंद था, तो इस सर से यहाँ से परमिशन ले ली, नहाने का सामान धोने का सब कुछ व्यवस्था भी हो गया, और मैं रुकूँगा इस टेलर में, यानी कि मेरा जो टेंट है ना उसको हवा भी नहीं लगी, मैं अंदर वगैरह आज कुछ स्पेशल चिकन वगैरह बना कर खाएंगे, और बहुत दिन हुआ मैं चिकन ही छुआ ही नहीं हूँ। तो चलिए सर से बताया, 1/2 kg चिकन काट के दीजिए, यहीं पर चिकन शॉप है, सारा कुछ व्यवस्था हो गया हमारा, लेकिन इससे आगे देखना आप लोग, हम लोग चिकन बना कर खाएंगे। ये व्लॉग आप लोग आधे से देख रहे होंगे क्योंकि वो पहला वाला पार्ट थोड़ा सा लंबा हो गया था ना, इसलिए मैंने आधे भाई इस तरफ खींच ली, क्योंकि मैं जानता था आज कुछ ना कुछ चिकन वगैरह बना कर खाऊंगा ये करके, और वो सच हो ही गया। तो चलिए बैग वगैरह मैं इस टेलर में रखता हूँ, और अपना कैंपिंग टेंट वगैरह लगाते हैं, और कैमरा वगैरह सब कुछ मैं चार्जिंग वहाँ पर शॉप पर, वो जो छोटा सा शॉप इच्छा हुआ क्या वहाँ पर डाल दिया है। तो चलिए मैं अपना कैंपिंग टेंट लगा लेता हूँ, काफ़ी हाफ दिखूंगा मैं आप लोगों को अभी, क्योंकि आधा ऐसे मोबाइल जो वाइड एंगल, मोबाइल का वाइड एंगल नहीं है ना, तो ये थोड़ा सा कट होगा मैं, लेकिन थोड़ा सा रहने लायक है, कचरा वगैरह मैं एक तरफ कर लेता हूँ इनको। चलो कैंपिंग टेंट तो लगा लिया, वो भी ट्रैक्टर में लगाया है मैंने, नीचे नहीं, एक टेलर थी वो टेलर में लगाया है, और अभी मज़ा आएगा यार, अभी कुछ कपड़े वगैरह धोता हूँ मैं, और बाकी देखते आगे क्या बना के खाने के लिए ना मुझे साइड पे लेना पड़ेगा, लेकिन भाई इन पहाड़ियों में सुबह सुबह आगे का व्यू मिलेगा हमें, सूरज निकलता हुए का व्यू मिलेगा हमें, और ये देखिए पास यही एक बहुत बड़ा पहाड़ी है, पीछे बहुत सारा का सारा पहाड़ी इलाके में फर्स्ट टाइम मैं कैंपिंग टेंट कर रहा हूँ। ये देखिए इन पहाड़ों में मैंने अपना टेंट इस टेलर में लगाया, ट्रैक्टर की किसी ने किया है इस ट्रैक्टर के टेलर में कोई कैंपिंग, पूरी रात आग होने वाली है। ये देखो मुझे ना मेरे जो भी सामान गंदे वो सारे सामान धोना है अभी, और उसके लिए मेरे पास साबुन ख़त्म हो चुका है, तो वहाँ पर लेना पड़ेगा, और पीछे बाकी देखिए पहाड़ों का मज़ा लीजिए आप भी। ये देखिए पूरे पहाड़ी पहाड़े, पूरे राउंड मेरे चारों तरफ पहाड़ी पहाड़े, और देखिए मैं कितना काला हो चुका हूँ, बहुत काला पड़ चुका हूँ ना धूप में चल चल के, आज तो भाई बहुत चला हूँ मैं, आज तकरीबन ना 22-24 किलोमीटर तक चला हूँ मैं, आप लोगों को बाद में रात में स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा, फिलहाल कैमरा तो चार्जिंग डाला है ना, जब बाद में कुछ कैंपिंग वगैरह कुछ करके खाएंगे हम चिकन वगैरह, आज मज़ा ही आ जाएगा, पूरा वीडियो देखना बहुत मज़ा आएंगे। तो यहीं पर एक वो शॉप पे तो नहीं मिला, तो यहाँ पर एक शॉप पे बताया भैया ने वहाँ पर मिलेगा करके, तो उस शॉप के तलाश में आया हूँ, बस साबुन मिल जाए मुझे वहाँ पर, एक यहाँ पर एक यार दूर बहुत है यहाँ पर, बहुत बहुत ज़्यादा। ये देखिए पूरा अंधेरा हो चुका है, और अभी मैं बनाने के तैयार करूँगा, यहाँ पर लाइटिंग वगैरह कुछ लगाया है, और देखेंगे किस तरीके से बनेगा, भैया जी चिकन काट रहे हैं वहाँ पर, यहीं पर चिकन की शॉप वगैरह सब कुछ है ना, तो अपन का एडजस्टमेंट हो गया है, मैं पहले अभी चावल बना लेता हूँ,
बाद में जो भी बनाना है, जो भी सालन वगैरह चिकन का जो भी कर लेंगे बाद में। चलिए साफ वगैरह कर लेते थोड़ा सा। चलो भाई कुछ बना लेते। थोड़ा सा पहले मैं चावल बना लेता हूँ, यहाँ पर नॉइज थोड़ा सा आएगा, उसको इग्नोर कर देना बिल्कुल। आ जाओ। हाँ आया। चिकन भी तैयार है, चावल चढ़ा देते, चिकन लेके आ जाओ। ऐसे भैया ये कैसे तुम्हारा? ये चूल्हा क्या बात है, ये गैस है। हाँ जी, यहाँ पर भैया लोग ना उनको विश्वास नहीं हो रहा था, और इनका सामान देखना था हमारा सारा, जो पोर्टेबल गैस है और जो भी स्टोव है ना, वो सारा देखना था भैया को। तो ये दीजिए, भैया के सामने एक्सप्लोर कर रहे हैं, कैसा लग रहा है भैया? इसको कैसे कनेक्ट करोगे? ये देखिए, इसे निकालना है और इसको ऐसा डालना है। चलो भैया हमारा गैस। कर्नाटक में तो राइस ज्यादा है। हाँ राइस ज्यादा है, इसे धो गया था इधर, प्याज काटने के वगैरह सेफ्टी सब कुछ हो जाता है। अच्छा, हथियार सारा सब कुछ। ये घूम रहे हैं, ये वो अभी ये चल रहा है ना, बड़ा नाम है आपका? राम पवार। अभी रिकॉर्डिंग चल रही है ना, कट हो जाए। तो भाई फाइनली पक चुका है, चलिए खाते हैं एकदम मजेदार चिकन वाला। खाना वगैरह पक चुका है और खाना शुरू करते हैं। अभी बहुत दिनों बाद मील्स खा रहा हूँ और राइस के साथ मतलब मुझे लगता है कि मैं सारा का सारा राइस खा जाऊँगा, इतनी भूख भी लगी है यार। चलिए चिकन वगैरह डाल लेते। आ जा मेरी माँ। चलिए खाते शुरुआत। वाओ, लेकिन एक गलती हो गई मुझसे, चावल थोड़ा सा कच्चा रह गया सच में, बाकी सब ठीक है। चिकन कैसा है? सारा का पक चुका है, वो चार घंटे का आता है ना, उसको मैंने पूरा खत्म ही कर दिया। आज ही नया वाला लगाया था, वो जो पुराना वाला था वो खत्म हो गया मेरा। मैंने दो ब्यूटेन गैस लिया था, वो सारे खत्म हो गए। ये नॉइस इसलिए आ रहा है कि यहीं पर होटल के पास लगाया ना मैंने, वो भी टेलर में पहली बार कैंपिंग लगाया है, जो किसी ने नहीं किया वो मैंने किया है। चलिए सारा वगैरह खा के मैं पैक करके सो जाता हूँ। आई होप कि आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा, तो यार प्लीज़ सपोर्ट कर देना, लाइक कर देना वीडियो को, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ यार मेरे बहुत अंबर रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर देना जरूर। मिलते हैं ऐसे और नए ब्लॉग में, कल देखेंगे उदयपुर में क्या क्या देखने को मिलेगा। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना इस वीडियो की कि उदयपुर में मुझे देखना क्या क्या है और कौन से गाँव जाना है जहाँ पर मैं एक्सप्लोर अच्छे से कर सकता हूँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं।